शंकर शर्मा जी, आपने बत्रा जी इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और यात्री जी ने, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात कि ये जो जहां पर हम बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इसको अमित्र ही बोले, अमित्रा नहीं। अमित्र ही शब्द इतना पॉपुलर हो जाएगा कि आप देखेंगे, जिस तरह से आप बहुत सारे, आकाशवाणी पॉपुलर है, दूरदर्शन पॉपुलर है, यदि आप अमित्रा करते रहे तो फिर वो जो टारगेट है हमारा हिंदी के बढ़ावा देने का, हम सभी का है, वो मीट नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये सुझाव है कि इसको अमित्र रखेंगे। क्यों? अमित्र का भी एक अर्थ है, आ नहीं है मित्र। यानी यहां जितने भी साहित्यकार हैं उनको यदि हम कहें तो वो अमित्र हैं। मित्र क्या है? उनके अंदर जो रचना है, जिस रचना को लेकर हम यहां। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि कवि या लेखक 100-200 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी रचना निराला की तरह रहेंगी। वो अमित्र है, हर कोई उनको पढ़ता है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि पहली बार तो अमित्र शब्द आप प्रयोग में लाना आरंभ करते हैं। दूसरी बात कि ये इतनी अच्छी जगह है जहां पर हम बैठे हैं, इसका जो शिल्प है, एक एक चीज आप देखिए, इसमें चित्र देखिए, यहाँ की डिजाइनिंग देखिए, यहाँ की सरस्वती की मूर्ति पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ, या यहाँ पर जो आपने ये डेकोरेशन किया है, यहाँ आकर बैठकर देखकर ही साहित्य और कला निखरती है, उभरती है और मन में उसका ख्याल आता है। तो आपके लिए धन्यवाद कि आपने इतना अच्छी जगह चुना और मुझे बुलाया, और आलोक यात्री जी का भी बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, सबने अपनी कहानी कही, मैंने सुनी। मैं पहले भी हर कार्यक्रम में कहता हूं कि ना तो मैं लेखक हूं ना मैं कवि हूं, मैं आपका श्रोता हूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से सुनता हूं मैं चीजों को। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी, बहुत मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा 15-20 लाइनों की होगी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसका पिच देखिएगा, उस कहानी का शीर्षक है बोध। उस कहानी में क्या, दो युवा, एक युवती और एक युवक बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं आपस में, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। दोनों अपने घर चले जाते हैं। युवक के मन में ख्याल आता है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, क्यों ना हम शादी कर लें। वो युवती के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। युवती स्पष्ट मना कर देती है कि नहीं, अभी नहीं कर सकते, अभी मेरा कैरियर है, मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। वो कैरियर जब बन जाएगा तब मैं आपसे शादी करूँगा। युवक चुप से वापस चला जाता है और अपनी स्थितियों को संवारने में लग जाता है। उसके बाद युवती धीरे धीरे अपने कैरियर की ओर बढ़ जाती है और उसमें वक्त लगता है 3-4 साल का। जब उसका कैरियर सेट हो जाता है तब वो युवक को कांटेक्ट करती है, कहती है अब मेरा कैरियर सेट हो गया, अब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोला अब मैं नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोले मेरे को अब समझ में, मुझे बोध हो गया है कि पहले मुझे अपनी तीनों सिस्टर की शादी करनी है। बोले तो तब तो आप ये कह रहे थे कि आप ऐसे शादी कर लूंगा। बोले उस समय मेरे मन में केवल प्रेम था, आज मेरे मन में बोध है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी कहानी बड़े मैसेज देती है, संदेश देती है। हर कहानी अपने आप में यूनिक थी। मैं नहीं जानता, डॉक्टर अलका सिन्हा जानती हैं कि इसका शिल्प क्या है, इसका कथ्य क्या है, इसका कथानक क्या है, इसके पात्र क्या है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साहित्यकार हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, जहाँ हूँ वहाँ सेवा ही कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर आपकी जो जितनी भी कहानियाँ हैं अद्भुत हैं, थोड़ी सी निखर जाएंगी जैसे जैसे सलाह मिली है। और कहानी को जब आप लिख रहे हैं ना, तो आप ये ना सोचें कि आपकी कहानी आपने लिख दी और खत्म हो गई।
वो हमेशा रहती है। प्रेमचंद की कितनी कहानियां बिना छपे हुए आप देख सकते हैं, वो बाद में छपी। मैं तो आपके सामने शिशु हूँ, सारे साहित्यकार मैत्रेय जी बैठे हैं, सिंगल साहब बैठे हैं, और जिन्होंने मुझे कहानी की समझ दी वो अवधेश श्रीवास्तव यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए, इनकी कहानी है, एक ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो भी जनरल कंपार्टमेंट में, और उस समय आज से 40 साल पहले जनरल कंपार्टमेंट क्या होता होगा, उसमें कितनी भीड़ होती होगी, कितनी कम ट्रेन थी उस समय, उसका एक एक चित्रण ऐसा किया है जैसे मैडम आपने किया है, मधु मैडम ने लखनऊ की भीड़ भाड़ का जिक्र किया है जी। तो जब आप कहानी पढ़ रहे हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कहानी सुनने में और पढ़ने में दोनों में अंतर है। आप जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसका कुछ और चलता है, और जब आप सुनेंगे तो उसका कुछ और स्थिति होती है, तो उसमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है, और जब आप लिख रहे हैं तो उसमें साहित्य की आवश्यकता होती है। आपकी अवधेश जी की विमल मेहता सेकंड है, उस कहानी को कभी आप देखिएगा जी, उसके ऊपर दो बार तो नाटक मैं देख चुका हूं, और यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप हिंदी एकेडमी ने उस कार्यक्रम को किया था। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी एकेडमी आपके पास चल के आए कि आपकी कहानी के ऊपर हम ड्रामा करेंगे, आप करिए तो सही। और आज समस्या क्या है, कवियों के साथ भी, लेखकों के साथ भी, सबके साथ समस्या यह है कि वो दिखना ज्यादा चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, जो काम आपने कर दिया उसको इतना दिखाना चाहते हैं कि सारी दुनिया तक पहुंच जाए। मैं ये कहता हूं उसको संभाल कर रखिए, वो आपकी प्रॉपर्टी है, जब अवसर मिले मंच पर तब उसको पढ़िए, उसका प्रदर्शन कीजिए। आप देखिए फेसबुक पर रोज एक नई आती है, एक नया लिख रहा है, थोक में लिख रहे हैं, क्यों भैया, आप उसको रखिए। और डॉक्टर अलका सिन्हा तो जानती है, मैंने आज तक जो कविताएं पढ़ी हैं मुझे याद है, लिखी नहीं है, वो मेरे बच्चों के समान है कविताएं। कविताएं और आपकी रचना आपके बच्चों के समान होती है, उसको लिखिए, उसको याद करिए, उसको पढ़िए, उसको जो कुछ करिए, लेकिन उसको ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे मत डालिए कि आपको लाइक मिल जाएंगे, आपको इतने लोग कमेंट करके, नहीं, उसकी चोरी हो रही है। आप देखिए हमारे यहां से इंद्रप्रस्थ भारतीय पत्रिका निकलती है, सभी को परिचय होगा, आजकल वो पत्रिका मैं देख रहा हूं, मुझे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और बड़े लोगों से ज्ञान मिल रहा है, लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी रचना को संभाल के रखें, और छपी हुई रचना का भविष्य बहुत होता है, पोस्ट की हुई रचना का भविष्य नहीं होता। तो कुल मिलाकर मैंने सभी आपकी रचनाएं सुनी, और जो लोग यहां सुना रहे थे रचनाएं, उनको लग रहा था मैंने कुछ गलती कर दी या होना, डॉक्टर अलका से मैं कह रहा था कि कभी कभी एक पंक्ति भी आपको पूरे दिन का आनंद देती है। एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा था कि गर्देशों का दौर है क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और आंधियों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। यदि हमारी आलोचना हो रही है तो क्या हम लिखना थोड़ी छोड़ देंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, और ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम क्या है, एक लेखक है, और लेखक बड़ा बड़ी ऊंची सोच रखता है, वो तो बहुत छोटी लाइन है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो बड़ी फेमस लाइन है, लेकिन मैं साहित्यकार को बड़ा उच्च दर्जा देता हूं, क्योंकि मैं उनको पढ़ रहा हूं, वंदना बैठी है, इसकी इतनी रचनाएं अच्छी हैं कि जब ये युवा हुआ करती थी और आज भी है, ठीक है, जैसे मैं, आलोक जी ने कहा था वंदना जब रचनाएं पढ़ती थी, इस बहुत अच्छी रचनाएं इनकी, हालांकि अब ये वो रचनाएं सुनाती कम है ना, लेकिन उनको सुनाना आरंभ करो, ठीक है। और विनय जी बैठे हैं, इनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, और सुभाष अखिल जी के लोग बातें क्यों, उनको सारे लोग बढ़िया बैठे हैं यहाँ पर, है ना, बागी जी और मैडम रक्षंदा खान जी और बहुत सारे लोग हैं। तो पहली कहानी के ऊपर आते हैं जिसमें पहली है, दूसरी है जिसमें दरवाजों का प्रयोग किया गया है, है ना, ये तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, सवाल है पहली कहानी, है ना, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कहानी पे, बिल्कुल मुझे तो अच्छी लगी, और
प्रस्तुतिकरण यदि कंठस्थ है तो वो बहुत बड़ी बात है, वरना लोग तो मोबाइल से कविताएं पढ़ रहे हैं। आप सोचो, एक बड़ा मैसेज है कि जिसको अपनी कविताएं याद नहीं है वो कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकता है, प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता। और ये मोबाइल तो अब चला है, आप देखिए, मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, ओम प्रकाश आदित्य जैसे लोगों को सुना है, वो कैसे, कितनी अच्छी रचना है, तोता मैना वाली सुनाते थे, क्या अंदाज में सुनाते थे वो, आज भी बहुत अच्छी कविताएं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको सुनाने का तरीका हमारा थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आशावादी सोच का परिचायक है, और हमने अभी इंद्रप्रस्थ भारती में सबसे पहली कविता मुनिंद्र, सुषमा मुनिंद्र जी की छापी है, आप उसको जी कहानी, हाँ कहानी, वो कहानी छापी है हमने, आप उस कहानी को पढ़िएगा, कहाँ से लेकर कहानी आती है और कहाँ है उसमें, कहानी में सिर्फ ये दिखाया है कि यदि किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, तो ससुर को माता समझे, ससुर को पिता समझे और अपनी माता को माता माने, यानी चार जो ये ध्रुव हैं इनको बिल्कुल एक समझे, है ना। उसका उदाहरण मैं भी हूं, मेरी मदर को चलने में प्रॉब्लम है और मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक है, मेरे फादर घूमना चाहते हैं, मेरे फादर इन लॉ है नहीं, अब मेरे लिए समस्या ये हो गई कि मैं कैसे करूं, उनके लिए सांस्कृतिक समस्या हो गई है कि भाई समधी के साथ कैसे जाएं। मैं इन दोनों को अपने साथ ले गया और मैंने अंडमान निकोबार द्वीप के आइलैंड पर बिठा कर कहा कि ऐसा समस्या का हल है, ये समस्या का हल ऐसे निकलता है, और इन अनछुए विषयों पर आपको कहानी लिखनी चाहिए, विषय चुनिए, ऐसा नहीं है कि विषय नहीं है, बहुत विषय पढ़े, और मोनोटोनस कहानियों से थोड़ा अलग है ना, क्यों, यदि आपने लिखा तो आप नए बच्चों में सर्वाइव कर पाएंगे, और हमारी कोशिश है नए बच्चों में सर्वाइव, हम तो सब जानते हैं ये सारी समस्याएं हैं जीवन में, ये सारी चल रहा है, गुड टच बैड टच की बात आई, सर ने कहा, आज से 20 साल पहले मैं एक टीचर था, मैंने बच्चों को गुड टच और बैड टच बताया था, आप सोचिए, अच्छे लोग आज भी हैं, लोग बता रहे हैं, लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो आप तक नहीं है, आपकी कविता के पाठक, आपकी कहानी के पाठक बहुत आगे हैं, पढ़ रहे हैं वो, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनकी अप्रोच आप तक नहीं है। आपकी रचनाओं को पढ़कर वो आनंदित होते हैं, जैसे आप कवि सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे कवि आते हैं, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन उनका उनका जो श्रोता बैठा सुन रहा है वो सारे तो नहीं पहुंच सकते ना। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि अच्छे से आप अपना काम करते रहें, और वंदना की बार बार याद आती है कि कुंवर जी ने कहा था कि होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाँव पर बैठोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक गूगल की समस्या थी, गूगल उसमें आया था वर्ड, इन सारे शब्दों को हमको जान लेना चाहिए, हमको बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ों का ज्ञान रखना, कहाँ किस तरह के हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे हमको आउट ऑफ डेट ना समझें, आपको आगे बढ़कर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और जो हमारे पास है उस ज्ञान को बच्चे लेना नहीं चाहते, वो क्या कहते हैं, नहीं ये तो आउट ऑफ डेट हो गया। हमारा फर्ज है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके समकालीन होने के बाद अपनी हम संस्कृतियों को उनके साथ अटैच करके उनको समझा सकें। आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, बहुत सुबह शाम रोज पूजा करती हैं, उनके साथ वो बिटिया नहीं बैठ रही है, उनके साथ वो बेटा नहीं बैठ रहा है, दोष हमारे अंदर है, क्यों, क्योंकि यदि हमने उस पूजा का वैज्ञानिक चिंतन उसको समझा दिया होता कि बेटा पूजा करने से क्या वैज्ञानिक चिंतन होता है, तो वो आज बैठ के पूजा कर रहा होता या आज रिचुअल्स कर रहा होता, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही ले लिया ट्रेडिशन के रूप में, हमने उनको समझाया नहीं कि बेटा यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको अपशगुन क्यों मानते हैं,
बिल्ली विडाल वंश से होती है, विडाल वंश की आंखों में रेडियम की टाइप होती है, यदि हमने उसको आई कांटेक्ट किया तो ब्रेन का एक करोड़वा हिस्सा हमारा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमारे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। ये वैज्ञानिक पक्ष है उसका। क्यों क्यों नहीं, क्यों कहा कि बेटा मीठा खाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों कहा हमने नमक खा के जाओ? सारी चीजों के ऊपर साइंस है हमारे लोगों के ऊपर, लेकिन हम उनको दे ही नहीं पा रहे, वो हमको दकैनों से समझते हैं। अपनी कहानियों में ये सारी चीजें लेकर आई है, यदि लेकर आएंगे तो उनको भी फायदा होगा, हमारी कहानियों का फ्लेवर बढ़ेगा, उनको भी चीजें समझ में आएंगी। पढ़ना लिखना तो उनका खत्म ही है लगभग, आप देख रहे हैं, हमारा भी खत्म है। हम तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम आनंदित होते हैं उससे, वो इसलिए नहीं पढ़ते, वो आनंदित नहीं हो रहे। वो क्यों पीयूष मिश्रा को देख रहे हैं, क्यों पीयूष मिश्रा के सॉन्ग सुन रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, क्यों प्रसून जोशी के गीतों को सुन रहे हैं, क्यों हमारे जो वीसी हैं स्वानंद करके उनकी बात को सुनते हैं, वो कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, समझ गए कितना मजा लेते हैं उसमें, क्योंकि उसकी बात को उस पर ढाल के उन्होंने कह दिया, उन्होंने भी वो हिंदी कहा है, हमने भी हिंदी सुना है। हमको इस ओर प्रयास करना पड़ेगा, हो सकता है मेरी बात गलत हो, मैं नौसिखिया आदमी हूँ, मैं शिशु हूँ आपके सामने, आप बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन मुझे ये चिंतन दिखाई दे रहा है, आपको ये करना पड़ेगा। और परिवार की कहानी है, परिवार में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग हिंदी के कुछ शब्दों को गलत बोलते हैं, कोशिश करें शुद्ध बोलें। सबसे पहला है नमस्कार, लोग नमस्कार बोल रहे हैं, कोशिश करें, और कोशिश तो हो जाएगी सब। रिंकल ने अच्छा संचालन किया, और आलोक जी और ये को तो मैं महामंडलेश्वर जितना कह सकता हूँ, है ना, महामंडलेश्वर है ये हमारे। और ये जो दरवाजे वाले मीना पांडे ने बहुत अच्छी पढ़ी है आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और परिवार की समस्याएं होती हैं वो लगभग हिंदुस्तान के परिवार के सभी की एक सी होती है, ठीक है, और उनमें हम अपने आप को देख रहे होते हैं कि हम कहाँ इसमें अटैच्ड हैं। और जिस कहानी ने ये तय कर दिया कि उसमें पाठक या श्रोता अटैच हो गया, वही सक्सेसफुल, वही कहानी कामयाब है। इसमें कुछ कहने सुनने वाली बात नहीं है। आपने यदि जामुन का पेड़ पढ़ ली कहानी, है ना, कृष्णचंद्र की है शायद, सुभाष जी, वो बहुत अच्छी कहानी है, मैंने वो कहानी पढ़ी नहीं, उस कहानी का डिस्कशन मैंने सुना, चार बहुत अच्छे साहित्यकार डिस्कशन कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो कहानी बैठ गई, और जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे डिस्कशन अच्छा लगा, कहानी ठीक नहीं लगी, क्योंकि शब्दों का खेल है, वो साहित्यिक थी और वो मॉड्यूलेशन पर आ गई थी। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए और देखते हैं कैसे सोजे वतन, देखिए आप, चार कहानी है, किताब अवधेश जी से ली थी, पता नहीं लौटाई नहीं लौटाई तो मुझे तो पता नहीं है, है ना। सोजे वतन की कहानियों में चारों की चारों लव स्टोरी हैं, विदेशी पृष्ठभूमि पर अपनाई गई हैं, वो सीधे फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, बहुत सारी फिल्में भी ऐसी हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं। और टेकचंद जी की आपकी जो कहानी है उसमें तो उसका तो पोस्टमार्टम यहाँ सबने कर ही दिया है, है ना, तो उससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं, है ना। और विज्ञापन वाली भी अच्छी है, बालमन की कहानी है, सुनीति और उसमें जो आशीष हैं जो सोच रहे हैं, और पति और ये जो थी पति के रूप में पिता के रूप में बहुत बिल्कुल डिफरेंट होते हैं सभी लोग, है ना, होना भी पड़ता है, और पेंडुलम होता है, हम भी और आप भी, तो कोशिश करें अच्छे से हम इसको जोड़ पाएँ, जीवन को जोड़ने का उद्देश्य, और जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती हैं उनका सबका अपना एक उद्देश्य हो कि क्यों लिख रहे हैं हम इस कहानी, इसके क्या समाज को देना चाहते हैं, है ना। हर व्यक्ति ने कहानी सोच के लिखी होगी कि क्यों हम लिख रहे हैं, उसका टारगेट क्या है, तो इसलिए उसको सोच कर लिखें जो भी आप लिख रहे हैं। आशीष का वो था ही उसमें कि भाई वो आप कह रहे हैं उपदेश दे रहे हैं, है ना,
वो उपदेश सा लगा, लेकिन वो बातें ठीक थी, उसको तरीके से बात डायलॉग में कही जाती है तो वो भी बात ठीक लगती है। और चीज़ों को, समस्याएं तो बहुत सारी हैं जीवन में, समाधान के ऊपर ले जाएं, कहीं ना कहीं समाधान के ऊपर, जैसे यात्री जी ने कहा कि उसको ऐसी जगह ले जा कर छोड़ दो कि आदमी बस तड़पता रह गया, अरे ये कैसे हो गया। और जो स्टोरी हमको तड़पता हुआ छोड़ देती है वही सक्सेसफुल है, जिसके नीचे फिर देखता है लिखी किसने, ये कहाँ के हैं, पटना के, ठीक है, अच्छा पटना के तो फ़ोन नंबर मिलाता है उसमें, है ना। मेरी यात्री जी, मेरी इंद्रप्रस्थ भारती में जो भी रचना छपती है मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर उसको फ़ोन करता हूँ कि भाई आपकी रचना बहुत अच्छी है। वो कहता है आप कौन बोल रहे हैं, मैंने कहा जी मैं बस एक पाठक बोल रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता, क्योंकि इंट्रोडक्शन देते ही वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं तो एक श्रोता के रूप में, पाठक के रूप में बोल रहा हूँ ना। तो इसलिए चीज़ों, अच्छी चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए बस। बाकी तो आपने सारा देख लिया है। और अभी मैंने, आप जानती हैं, उनको बलराम जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर नमस्कार, बोले ऋषि जी कैसे हो, मैंने कहा पहले आप ये बताओ कि उसकी राधा कैसी है, और इतनी जोर से हंसे क्योंकि उसकी राधा उनकी फेमस कहानी है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो वो होंगी कनेक्ट, ऐसा नहीं है कि भी नहीं हो सकती। मनु जी की कहानी, मधु जी की कहानी के बारे में तो मैंने बता ही दिया, और सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहें और भावनात्मक संस्कारात्मक बातों को और ऐसी चीज़ों को जो अच्छे गुण हैं उनको लाते रहिए अपनी कहानी, तभी वो सारी चीज़ हो पाएंगे। और सुधा गोयल जी की और रश्मि वर्मा जी की कहानी है, ये तो आपने देख ली कि कितना हंसाया मैडम ने, और नए विषयों को चुनिए, बाकी तो सब ढोलकी हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका, और अब मैं विराम देता हूँ अपनी बारी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि कुमार शर्मा जी का, मुख्य अतिथि।